और इसे बिहार में लिट्टी भी बोला जाता है। तो फाइनली हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आशा करते हैं फ्रेंड आप लोग मस्त हैं, स्वस्थ हैं। तो फ्रेंड कल जैसे कि आप लोग देखें कि हम चिकन बना रहे थे तभी बारिश होने लगा और ये बारिश काफ़ी रात तक हुआ फ्रेंड। तो अभी तो हम फिलहाल जा रहे हैं बच्चों को छोड़ने के लिए स्कूल, स्कूल से छोड़कर आते हैं तो फिर आगे की तरफ आप लोगों को दिखाते हैं क्या क्या नुकसान हुआ है क्या नहीं। तो बन रहिएगा ब्लॉग के साथ, काफ़ी मज़ा आने वाला है फ्रेंड। तो फिर मिलते हैं आगे की तरफ। तो अभी चल रहे हैं स्कूल और स्कूल से आएंगे तो फ्रेंड आप लोगों को दिखाएंगे। तो फाइनली गाइस सबको छोड़ दिए हैं, अब जा रहे हैं घर की तरफ, तो फिर बने रहिएगा। तो फाइनली फ्रेंड बच्चों को तो छोड़ दिए हैं, अब जा रहे हैं घर की तरफ। और देखिए इधर सब बारिश की वजह से सब कितना कचरा हो गया है, आप देख सकते हो फ्रेंड, और एकदम पूरा द्वार का हालत बहुत ख़राब हो गया है। और अभी चलते हैं थोड़ा पीछे साइड में और आप लोगों को दिखाते हैं, तो बन जाएगा ब्लॉग के साथ इन तक। और इधर देखिए इस रूम का हालत देखिए, यह सब पूरा पानी की वजह से देखिए कितना ख़राब हो गया है। इधर सब सोफा भीगने वाला था लेकिन रात को उठकर सब हटा दिए हैं। और देखिए खेत में क्या क्या नुकसान हुआ है देखिए। ओ माई गॉड। और फ्रेंड इधर देखिए पूरा जो है कि बारिश की वजह से पूरा पानी पानी हो गया है, जो कि पूरा खेत में और इधर प्याज में हर एक जगह पानी हो गया है। और उसमें उतैला पुआ गया था उसमें भी पानी हो गया है और सब्जी वब्जी पूरा डूब गया है। तो थोड़ा छत पर चलकर दिखाते हैं आप लोगों को पूरा, तो बन रहिएगा ब्लॉग के साथ। तो फ्रेंड चलते हैं थोड़ा छत से दिखा देते हैं आप लोगों को, अभी जा रहे हैं छत पर तो फिर दिखाते हैं आप लोगों को। तो फ्रेंड जैसे कि अब देख रहे हैं कि हम छत पर आ चुके हैं और यहाँ से देखने के बाद आप लोग को समझ में आएगा, जो कि देखिए फ्रेंड इस साइड भिंडी है, जो मेड़ी दिख रहा है भिंडी है उसमें भी पानी हो गया है और उधर प्याज है और सब गेहूं, जो कि जितना भी गेहूं थे सब जो है कि लेट गए हैं, जो कि बारिश की वजह से पूरा नुकसान हो गया है, हमारा ही नहीं सबका हुआ है। तो फ्रेंड आप लोगों को थोड़ा सा जूम करके दिखा देते हैं और फिर उसके बाद चलेंगे ब्रश मंजन करेंगे और नाश्ता करेंगे। तो एक बार आप लोगों को जूम करके दिखा देते हैं पूरा। तो जैसे कि फ्रेंड आप लोग देख रहे हैं कि इधर सबका जो है कि फसल जो है कि लेटा हुआ है, और थोड़ा जूम कर लेते हैं दिखाते हैं आप लोगों को कुछ दूर तक। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं फ्रेंड यहाँ यहाँ सब जिसका जिसका भी है सब फसल जो है कि लेटा हुआ है। और इधर जो है कि फ्रेंड मेरा है, आप लोग को दिखा दे रहे हैं, इधर जो खेत में पानी दिखाई दे रहा है ये सब ये मेरा खेत है। और इधर जो है कि जो हमारा गेहूँ है ये यहाँ पर है, जो कि पूरा लेट गया है, आप लोग खुद देख सकते हो गाइस। तो फाइनली गाइस नाश्ता हो चुका है, अब जा रहे हैं कुछ काम करने के लिए क्योंकि द्वार बहुत गंदा हो गया है, अब इसे थोड़ा साफ कर लेते हैं और फिर उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं फ्रेंड। और इधर आप देख ही सकते हो कि द्वार कितना कचड़ा हुआ है, तो इसे थोड़ा साफ कर लेते हैं, तो फिर बने रहेगा ब्लॉग के साथ। तो फ्रेंड जैसे तैसे करके हम अपने द्वार को साफ़ कर चुके हैं और अभी फिर से धीमी धीमी बारिश होना स्टार्ट हो गया है और बदरी के मौसम में टाइम का भी पता नहीं चल रहा है। अभी फ़िलहाल 10:30 हो रहा है और देखते हैं फ्रेंड कब तक मौसम साफ़ होता है, तो बन रहिएगा ब्लॉग के साथ। सो हेलो एवरीवन, अभी फ़िलहाल हम नहा चुके हैं और मौसम भी कुछ साफ़ हो गया है और अभी जा रहे हैं फ़िलहाल रोड पर घूमने के लिए। और हमारे बैक साइड में जो देख रहे हैं हम कितना मस्त भरा हुआ है, तो चलते हैं फ्रेंड थोड़ा मार्केट होकर आते हैं तो फिर उसके बाद आप लोगों से बात होगी। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड आगे। तो फ्रेंड अभी हम आ चुके हैं मार्केट से और हो गया है काफी अंधकार, अब देखते हैं क्या क्या होता है। अब थोड़ा सा चलते हैं पढ़ाई कर लेते हैं और फिर उसके बाद मिलते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड पढ़ाई पूरा हो चुका है, अब जा रहे हैं खाना खाने के लिए, तो देखते हैं खाने में क्या क्या बना है, तो चलते हैं फ्रेंड खाना खाने। तो फ्रेंड इधर देखिए खाने जा रहे हैं बट्टी चोखा, जो कि यहाँ पर देखिए एक बट्टी है दो बट्टी और यहाँ चोखा दाल चावल, और इसे बिहार में लिट्टी भी बोला जाता है। तो फाइनली गाइस
खाना खा लेते हैं, और खाना खाने के बाद यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।